मैं रणवीर कुमार और आप देख रहे हैं देश का उभरता हुआ हिंदी सैटेलाइट चैनल पब्लिक लाइव है। अभी मैं मोतिहारी जिला के चिरिया ब्लॉक के अंतर्गत महुआवा में आ चुका हूँ। दरअसल आपको बता दूँ कि आज दीपावली का त्यौहार यहाँ पे मनाया जा रहा है। ये स्कूल है, SRT स्कूल है, और इस स्कूल में दीपावली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बच्चों ने कुछ रंगोली भी बनाए हैं, अपने हाथों से बनाए हैं, और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये समथिंग है 4थी क्लास के 5वीं क्लास के 6ठी क्लास के जो बच्चे हैं, ये लोग अपने हाथों से बनाए हैं। यहाँ तक कि अपने देश का भी नक्शा इन्होंने बनाया है, बड़े ही सुंदर तरीके से बनाया है, और कुछ और रंगोली बनाया है बच्चों ने, हम वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे देश का यहाँ पे नक्शा उन्होंने बनाया है, साथ में तिरंगे का भी इन्होंने नक्शा बनाया है, और साथ में दीप प्रज्वलित कर इसको उन्होंने बनाया है। और आपको बता दूं कि ये सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो इन्होंने अपने हाथों से बनाया है। बाबू क्या नाम है आपका? मावा समीर अफजा। अच्छा, स्कूल में पढ़ाई करते हैं आप जी? कौन से क्लास में हैं आप? 3D में है। अच्छा, ये रंगोली आपने बनाया है जी? सुधांशु। आपने बनाया है जी? मिलजुल का। अच्छा, मिलजुल के बनाए हैं। स्कूल में कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पे? अच्छा अच्छा, कुछ और बच्चे अभी उनसे भी जानने की हम कोशिश करेंगे। क्या नाम है बाबू का आपका? प्रिंस कुमार। अच्छा, अभी आप पटाखे बजा रहे हैं अभी आप? हाँ। दीपावली बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं आप? यस। अच्छा, ये रंगोली आपने बनाए हैं क्या? नहीं, सबको मिलकर। सबको ही मिल के बनाए हैं। अच्छा, ये जो कलाकारी जो आप लोगों ने दिखाया है, कहाँ से सीखा है ये आपने? ये मतलब कि कॉल नहीं है, आकर प्रैक्टिस करे थोड़ा, इस बात पे प्रैक्टिस करवाते हैं। यानी पढ़ाई के साथ साथ में यहाँ पे मतलब कि ये कलाकारी भी सिखाया जाता है आप लोगों को? अच्छा, सिखाया जाता है, प्रैक्टिस करवाते हैं। अच्छा, दीपावली का त्यौहार आप लोग मना रहे हैं, क्या कहेंगे आप लोग? हैप्पी दिवाली। देखिए बच्चों का कहना है कि हैप्पी दिवाली, और लोगों को संदेश दे रहे हैं। और आपको एक और जानकारी दे दूँ कि बहुत सारे निजी स्कूल हैं जो मोटा रकम लेके बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन SRT ऐसा स्कूल है, ऐसा बताया जाता है, ऐसा स्कूल है कि कम पैसे में यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है। और देखिए यहाँ पे मैं कैमरा मैन से थोड़ा जूम करके बताएं, देखिए यहाँ पे बच्चे अभी तकरीबन 7 बज गए हैं, और देखिए कितने हर्षोल्लास के साथ बच्चे यहाँ पे हैं, यहाँ पे आए हुए हैं। ये बगल वाले गाँव के भी है, यहाँ से 2-4-5 किलोमीटर दूर के गाँव के भी बच्चे हैं यहाँ पे, और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस दीपावली त्यौहार को मना रहे हैं। और सजावट की अगर बात करूँ तो पूरा स्कूल को अच्छी तरह से यहाँ पे सजाया गया है यहाँ पे। और देखिए बच्चे यहाँ पे पटाखे यहाँ पे बजा रहे हैं, यहाँ पे फुलझड़िया यहाँ पे बजा रहे हैं, बड़े ही खुशी के साथ इस दीपावली त्यौहार को मना रहे हैं। और इस स्कूल के जो चेयरमैन हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर अपना नाम बताइए। डॉक्टर R. ठाकुर। अच्छा, कहाँ से प्लान आया कि आपने स्कूल के बारे में सोचा और स्कूल खोल भी दिया? मेरा जीवन ही शिक्षण संस्थान के निर्माण के लिए और पिछड़े हुए इलाके के लिए संघर्षरत रहा हूँ। हिंदुस्तान की सबसे हाईएस्ट डिग्री मुझे IIT रुड़की से प्राप्त है। मैंने डॉक्टरेट डिग्री IIT रुड़की से की। मैं वहाँ का स्वर्ण पदक विभूषित हूँ। मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज का जन्मदाता मैं हूँ। इसके अतिरिक्त और भी संस्थान जो स्कूल है, CBSE बोर्ड से एफिलेटेड स्कूल है। यह सौभाग्य आज का दिन मुझे प्राप्त हुआ है कि इत्तफाक है कि आज प्रधानमंत्री अयोध्या में छोटी दिवाली का उपहार 17 लाख दीप से दे रहे हैं। मैं भी अपनी जन्मभूमि पर महुआवा गांव में आया हूं और अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैंने भी प्रकाशित किया इस गांव। आज दीपावली का शुभ दिन है, छोटा दीपावली है आज, और बच्चे ने अपने हाथों से रंगोली बनाया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? बच्चे को यह प्रेरणा, अपना सपना साकार कर रहे हैं। तरह तरह की कल्पनाएं बच्चों के मन में थी, आज उसको प्रकाश में डालकर प्रकाश उत्सव मना रहे हैं, देख रहे हैं हिंदुस्तान को, कला को, अपनी संस्था का नाम बना के देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। हमें सुनने में आया कि बहुत सारे निजी ऐसे स्कूल हैं, हमने देखा भी है कि वो मोटा रकम वसूलते हैं, और यहाँ पे ऐसा सुनने में आया कि बहुत कम पैसे में आप पढ़ाई यहाँ पे होती है, कितनी सच्चाई है इस बात में? सच्चाई है, मेरा एक फिलॉसफी है, दर्शन है, वंचित के द्वार जाओ, शिक्षा की ज्योति जलाओ।
बेटी पढ़ाओ हमारे प्रधानमंत्री का सपना था, आज उसको मैं साकार करने में अपना योगदान दे रहा हूँ। इस दीपावली के शुभ अवसर पे बच्चों को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बच्चे संस्कार ग्रहण करें, पात्रता लावें और जीवन में शिक्षा ग्रहण कर कामयाब बने, देश की सेवा करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। SRT स्कूल के टीचर यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनसे खास बातचीत करेंगे कि ये लोग किस तरह से पढ़ाई बच्चों को करवाते हैं और किस तरह से शिक्षा देते हैं और क्या वो बच्चे भविष्य में क्या बनना चाहेंगे और क्या बनने की वो कोशिश करते हैं। हम कैमरा मैन से कहीं थोड़ा सा आगे आएँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार हुआ। अच्छा, आप मतलब कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? आप? मैं SST यानी सामाजिक अध्ययन समाजशास्त्र के विषय को पढ़ाता हूँ बच्चों को। अच्छा, यहाँ पे गांव देहात से बच्चे आते हैं, कितना मुश्किल होता होगा आपको पढ़ाना उनको? ऐसे मुश्किल तो नहीं है, बच्चे हैं और गिली मिट्टी के समान है, उनको एक नया आकार देना हम लोग का कर्तव्य है, तो इसलिए मुश्किल नहीं है। हाँ, एक उनको एक नई दिशा प्रदान कर दे, थोड़ा सा उसमें रास्ता हम लोग को दिखाना पड़ता है, बस यही बात है। कठिनाइयाँ तो है नहीं, क्योंकि वो बच्चे गिली मिट्टी, जैसा हम आकार देते हैं वो ऐसा राष्ट्र का निर्माण करते हैं। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा आपको। वो छोटी मोटी है तो उसके लिए हम लोग कभी भी उसको पॉजिटिव लेते हैं, उसको मुश्किल नहीं, उसको एक टारगेट हम लोग लेकर के चलते हैं, वो एक एम लेके एक लक्ष्य लेके चलते हैं ताकि राष्ट्र निर्माण में वो सब बच्चे अपना एक अहम रोल निभा सके। कहाँ से कहाँ तक पढ़ाई होती है यहाँ पे? यहाँ पे अभी प्लस 10 तक की पढ़ाई हो रही है और नेक्स्ट सेशन तक 12 तक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टार्टिंग जो है कि प्री क्लास से होती है, नर्सरी LKG जो है वहाँ से होती है। कभी नर्सरी LKG में कभी जाते हैं आप? ऐसे तो कभी कभी हम लोग को जाना पड़ता है प्रोजेक्ट के भी उसे बच्चों को। उन बच्चों को संभालना कितना मुश्किल होता है आपके लिए? हम लोग के लिए एक आनंद का विषय आता है ताकि हम लोग को उसे अपना बचपन याद आ जाता है, कैसे कैसे हम लोग खेलते थे, कैसे पढ़ते थे, कैसे शरारत करते थे, तो बच्चों के साथ संभाल करके हम लोग एक इंजॉय भी कर लेते हैं। लेकिन जिस समय आप बच्चे थे वो दौर कुछ और था, लेकिन अब दौर कुछ और है। हाँ, अब डिजिटल इंडिया हो गया है, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी उसमें बहुत सारा योगदान है। NEPI है, नई शिक्षा नीति, उसके अकॉर्डिंग और जो हम लोग ट्रेनिंग में बताए गए हैं तो उस आधार पर हम लोग जो चलते हैं, तो थोड़ा सा है पहले में और में थोड़ा सा डिफरेंसेज है। अभी डिफरेंस है थोड़ा सा। अच्छा, पहले जो था संसाधन राष्ट्र हमारे सरकार के पास कम था, अब सरकार के पास संसाधन बढ़ गया है और शिक्षा में स्तर में चेंजेज हो रहे हैं प्रसार, और NEP 20 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके तहत बच्चों को सिखाना पढ़ाना और काफ़ी थोड़ा इजी हुआ है और हम लोगों के लिए मज़ेदार विषय बन गया है। दीपावली के शुभ अवसर पे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं अभी अपने सभी मित्रगण, शिक्षक साथीगण और सभी यहाँ के मेरे प्यारे बच्चे जितने और ग्रामवासियों को, मैं सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप सभी दीपावली को काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाएं, रंग भेद कोई भी तरह के भेदभाव ना करें, सभी एक जो होकर के मनाएं और बच्चे को आगे कैसे डेवलप करना है, राष्ट्र को कैसे आगे ले जाना है इस विषय में बताएं। यह ऐसा त्यौहार है जिसमें हम सभी एक मिलजुल करके और अपना जो है कि राष्ट्र निर्माण में कर्तव्य निभाते हैं, तो मैं चाहूँगा साथ ही साथ कि पर्यावरण को ख्याल रखें, पटाखे का प्रयोग कम किया जाए क्योंकि छोटे बच्चे हैं, कुली जो फुलझड़ी ये सब पटाखे उसका तो प्रयोग करेंगे ही, लेकिन फिर भी पर्यावरण को स्वच्छता बनाए रखने के लिए हम चाहेंगे जितना कम हो सके पटाखों का प्रयोग ना हो और अपना स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें क्योंकि हमारे समाज में बहुत बड़े बुजुर्ग होते हैं जो वायु प्रदूषण से परेशानी का सामना करते हैं, उन लोगों को भी ख्याल रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद सर। देखिए, ये टीचर है जो अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाते हैं और बड़े ही बच्चों को केयर करते हैं यहाँ पे, कुछ और टीचर हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ निरंजन कुमार सिंह। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? मैं यहाँ हिंदी सब्जेक्ट का मतलब टीचर हूँ। अच्छा, हिंदी विषय पढ़ाता हूँ। इससे दीपावली के शुभ अवसर पे क्या कहेंगे आप? दीपावली के शुभ अवसर पे यही कहेंगे कि जितने भी हमारे बच्चे हैं, बच्चे भी तो खुशियाँ मना ही रहे हैं, आज छोटी दिवाली है, छोटी दिवाली के अवसर पे इस स्कूल का प्रथम ये महोत्सव है, तो हम लोग बहुत ही धूमधाम के साथ मना रहे हैं छोटी दिवाली, क्योंकि कल बड़ी दिवाली है, तो कल का तो सेलिब्रेशन सब कोई अपने परिवार के साथ ही करते हैं, तो आज सभी बच्चे को एकत्रित करके हुआ है कि ये साल का प्रथम हम लोग मना रहे हैं यहाँ पे, तो सभी बच्चे मिलजुल कर जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी अर्थात यहाँ पे टीचिंग एवं नॉन टीचिंग स्टाफ जितने भी हैं, वो सभी आए और ये क्या बोलते हैं दीपावली को उत्सव करें, मनाएं अच्छे से। बच्चे ने ये जो भव्य आयोजन अपने हाथों से अपने कला को दिखाया है, इस बच्चे के बारे में क्या कहेंगे आप?
देखिए वो तो बच्चा का अपना प्रतिभा होता है, और हम लोग उसी चीज़ को दिखाने के लिए जो छोटी दिवाली होती है ना, उसी चीज़ को दिखाने के लिए हम लोग ये आयोजित किए हैं कि ताकि यहाँ पे बच्चा आए और उसके अंदर क्या प्रतिभा है उस प्रतिभा को यहाँ पे दिखाए, ताकि यहाँ के जो भी ग्रामीण वासी हैं वो भी लोग देखे, प्रेरित हो और अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजे। यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ इन सारी चीज़ों की भी व्यवस्था कराई जाती है, जिससे बच्चा केवल मानसिक ही प्रेफर नहीं रहे। पढ़ाई से क्या होता है, मानसिक तनाव होता है, तो मानसिक तनाव को दूर करने के लिए हम लोग समय समय पे हर चीज़ की प्रतियोगिता भी कराते रहते हैं। जैसे कि अभी छोटी दिवाली हो गया, हाल ही में इसके पहले हिंदी दिवस था, हिंदी दिवस प्रतियोगिता कराया गया था। इसके साथ ही जो खेल होता है, खेल कूद जैसे कबड्डी हो गया, कबड्डी का भी हम लोग प्रतियोगिता कराते हैं और बच्चों को भी प्रोत्साहित करते हैं ताकि बच्चों के अंदर भी उत्साह आए। तो मेरे यहाँ के बच्चे जो भी हैं बहुत ही मेहनती हैं, बहुत मेहनती करते हैं, क्योंकि गांव समाज के बच्चे क्या होते हैं, वो एकदम स्ट्रगल करके निकले हुए होते हैं, काफ़ी मेहनत करके निकले हुए होते हैं, तो उनके अंदर का जो जुनून होता है ना, वो कभी भी शहर का बच्चा कंपेयर नहीं कर सकता है, कभी भी तुलना नहीं कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आपका भी। SRT के कुछ और भी टीचर हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? रुबैदा खातून। अच्छा, और कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाती हैं? मैं साइंस पढ़ाती हूँ। साइंस पढ़ाते हैं, बच्चों को कितना मुश्किल होता होगा साइंस पढ़ाना? साइंस तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हंसते खेलते मतलब उनको समझाते आदमी पढ़ा सकता है। यहाँ बच्चे भी बहुत ज़्यादा मतलब समझदार है, ज़्यादा जल्दी समझ जाते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दीपावली के शुभ अवसर पर बच्चे ने जो भव्य आयोजन जो किया है और अपने हाथों से कला जो दिखाया, इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही मतलब देख के ही वो लोग सीख जाते, इतना मतलब वो लोग इंटेलिजेंट है और बहुत अच्छा इन्होंने बनाया है, दीपक बनाया है, बहुत सारे यहाँ पे कलाकृतियाँ बनाई हैं, बहुत अच्छा लगा है देख के। और सबसे मेन सर, गांव में जो है लेडीज़ को, लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे जो अब देख रही हूँ मैं कि लड़कियों को भी मतलब बराबर का मौका मिल रहा है हर काम के लिए, हर चीज़ के लिए। और मिलना भी चाहिए, मिलना भी चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और सबसे मेन दीपावली है, हर जात के बच्चे पढ़ते हैं और किसी ने कोई भी भेदभाव नहीं, गार्जियन भी बहुत सपोर्टिव है यहाँ के। पढ़ाई में तो वैसे भी जात तो होना ही नहीं चाहिए। यस सर, फिर भी मतलब यहाँ पे गांव में जो लोगों का मानसिक है, लोग जात पात में दिया है तो हम क्यों जलाएंगे, हम मुस्लिम है या फिर हम कोई और जाते, तो यहाँ पे जो है वो देखने को नहीं मिल, धीरे धीरे मिट रहा है सब कुछ, सब कोई में एकता आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ऐसा कि स्कूल में टीचर से हमने बात किया, इन्होंने कहा कि सभी बच्चे इकट्ठा होके और ये लोग यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे देखिए यहाँ गांव देहात के कुछ बच्चे हैं, जैसा कि मैडम ने बताया हमें कि उनके गार्जियन जो हैं कुछ अड़ोसी पड़ोसी जो है जो जातिवाद यहाँ पे करते हैं, लेकिन जातिवाद कहीं ना कहीं यहाँ पे नहीं करना चाहिए। एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जिसमें जाति से कोई लेना देना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रणवीर।